वंदे मातरम मित्रों, पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पैरालाइज नहीं करेगा अपाहिज इस श्रृंखला में। इसमें जितने भी मैं आपको एपिसोड बना के दे रहा हूँ पैरालाइज वाली वीडियो में, ये ब्रेन हेमरेज पे भी काम करता है, पैरालाइज पे भी काम करता है, पार्किंसन पे भी काम करेगा, आपके जोड़ों के दर्द में भी काम करेगा। जैसे फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, आपको CIT का है, बैकएक है, स्लिप डिस्क है, सब में काम करेगा। अभी जो आपको मैं सीड थेरेपी बताने जा रहा हूँ, इस सीड थेरेपी का फायदा क्या है, आप थायरॉइड ठीक कर पाएंगे उसके द्वारा, चरम रोग कोई भी स्किन एलर्जी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आपका लिकोडर्मा है, छपाकी है, आपको एक्ने है, आपको आर्टिकेरिया, उनमें भी लाभ मिलेगा। माताओं बहनों की जो भी बीमारी है उसमें फायदा करेगा, हम पुरुष भाइयों की जो बीमारी है उनमें भी फायदा करेगा, घुटने में दर्द, कमर में दर्द उसमें भी काम करेगा, पेट में दर्द वगैरह है, गैस कब्ज तेजाब बनती उसमें भी काम करेगा, और आपके जो लेडीज माता बहनों के अंदर कैंसर की गांठे बन जाती है, वैसे भी कोई गांठे बन जाए उसमें भी आपको फायदा देगा ये। इसमें एक सीड थेरेपी जो दिखा रहा हूँ, शरीर में वैसे भी कहीं भी गांठे हैं उनको भी मेल्ट करेगा, चाहे यूट्रस में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे आदमी औरत के हाथ पैरों में कहीं भी गांठे हो, कमर में, उसको भी ठीक करेगा ये, ठीक है। लेकिन देखो, कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होती है, जो नेचुरोपैथी है, वो समय खाती है, इसलिए आपको समय जरूर देना पड़ेगा। कम से कम एक थेरेपी को 3 से 4 महीने आपको लगातार करना पड़ता है, तब जाके आपको बीमारी से निजात मिलती है, ये नहीं कि आपको एकदम से राहत मिले। तो अभी जो मैं सीड थेरेपी बता रहा हूँ, आपको मेथी उपचार बता रहा हूँ, उसमें आप सर्जिकल टेप लेके आएंगे। कैसे टेप लेके आनी है आपको, एक तो आधा इंच की टेप लेके आनी है और आपको 1 इंच की टेप लेके आनी है। दो तरह की आपके पास टेप अवेलेबल होनी चाहिए, और साथ में आपके पास मेथी दाना, ये देखिए मेरे पास एक डब्बा है, इसके अंदर मेथी दाना रखा हुआ है। ये आपने करना क्या है, सर्जिकल टेप को ऐसे खोलेंगे, जैसे मैंने अभी खोल दिया, इसका एक चिपचिपा पदार्थ है जो चिपकता है, हमने टेप के ऊपर, जैसे अभी देखो हमने चिपकाया इसके ऊपर और आराम से ऐसे करके बराबर कर लिया, ये मेथी दाना की एक पट्टी बन चुकी है, इस तरह से इसको हमने बराबर कर लिया। करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा है कि आपका जो अंगूठे दिख रहा है इसके चारों तरफ मेथी की पट्टी बांध देंगे, रोजाना रात को सोने से पहले, ऐसी जो बीच वाली उंगली की जो लाइन बन रही है इसके चारों तरफ मेथी पट्टी, अंगूठे ये इसके इधर वाली जो उंगली का पहला पार और दूसरा पारवा, मतलब हमारे वात जॉइंट और पित्त जॉइंट दोनों पे करोगे, ऐसी हमारी लिटिल फिंगर है, इसका जो वात पॉइंट है, मतलब पहली उंगली इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर के दोनों फर्स्ट ब्लॉक, मिडिल फिंगर का आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लॉक, और जो अंगूठा है थंब इसका आपका फर्स्ट ब्लॉक का ये वाला नेल वाला पार्ट आपने कवर अप करना है, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों हाथों में सेम इसी प्रक्रिया से करेंगे, और ये तो आपका आधे इंची का हमारे हाथ में इस्तेमाल करना है। अब जैसे आपको पैरों में करने का तरीका थोड़ा क्या आपको थोड़ा अलग हो जाएगा, पैरों में हमें आपको 1 इंची जो टेप बताई थी या 2 इंची उसका लेंगे, आप मेथी में चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद जैसे मान के चलो मैंने मेथी की पट्टी ली और इसके ऊपर चिपका लिया, अब ये देखो 1 इंची टेप है, करना क्या, जो पैर आपको नजर आ रहा है ये पहली उंगली इंडेक्स टो और रिंग फिंगर, मतलब आपका सेकंड लास्ट टो, इसके ऊपर आप चारों तरफ वो मेथी की पट्टी आप लगा देंगे। जैसे मैंने ये खोला टेप, चिपके ऊपर मेथी चिपकाया और चारों तरफ मैंने ऐसे कर दिया, पूरा कवर हो जाना चाहिए नाखून से लेके बिल्कुल लास्ट तक, ऐसे आपका रिंग वाला, और इनको लगाने के बाद हल्का हल्का आपने दबा देना है, दबाएंगे जरूर। साथ में आपको अंगूठे को भी कवर करना है, मतलब आपका अंगूठा पहली उंगली, मतलब बिग टो, सेकेंड टो और थर्ड फोर्थ लास्ट टो, सेकेंड लास्ट टो मतलब ये वाला, मतलब रिंग फिंगर आपको पैर का, इंडेक्स फिंगर आपको पैर का और अंगूठा, इनको ऊपर आप चारों तरफ लगा देंगे। लगाने के बाद हल्का हल्का इसको प्रेशर करना है, जैसे मैं दबा रहा हूँ इस तरह से आप दबाएंगे। दबाने के बाद सो जाइए रात भर के लिए, और सुबह निकाल के फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपको पैरालाइज में भी राहत मिलना शुरू हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर हो गया उसमें भी आपको राहत मिलना शुरू हो गया है, आपको कोई चरम रोग का इश्यू है, आपको एक्ने है, छपाकी है, आपको स्किन डिजीज कोई भी है, सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, आपको आर्टिकेरिया उसमें भी राहत मिल रहा है, आपको घुटने में दर्द आ रहा है उसमें भी, कमर में दर्द आ रहा है उसको, पैरों में दर्द आ रहा है उसमें भी फायदा पड़ रहा है, आपको लेडीज को माताओं बहनों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रक्त निकलता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता, डेट बिल्कुल बंद हो गई है, डेट बहुत ज्यादा आ रही है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी फायदा हो रहा है,
आपका डाइजेस्ट सिस्टम पुअर हो गया उसमें भी फायदा मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन कवर्स हो गया उसमें भी फायदा मिल रहा है, थायराइड ग्लैंड वीक हो गया तो उसमें भी फायदा मिल रहा है। मतलब आप एक मेथी पट्टी, अंगूठा, पहली उंगली का पहला ब्लॉक, सेकेंड उंगली का दोनों ब्लॉक और लिटिल फिंगर का आपका ये वाला ब्लॉक, रिंग फिंगर को छोड़ दीजिए, दोनों हाथों में करना है और दोनों पैरों में, तो आप देखेंगे कि आप खुद ही अपने इलाज खुद कर पा रहे हैं बिना किसी प्रक्रिया के द्वारा। आपको करना अनिवार्य है और आप फिर देखना आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा और आप ऊपर वाले की बनाई हुई इस विधा का आप जरूर लाभ उठाइए और इस वीडियो को आप जनहित के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइए ताकि स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और लोगों को एक अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद। वंदे मातरम।